तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभी आज़ाद यादव एक नेक्स्ट ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं, एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको पटना का एक धरोहर को विज़िट कराने वाला हूं और दिखाने वाला हूं, उसके बारे में बताने वाला हूं, हिस्ट्री भी बताने वाला हूं। आज हम चल रहे हैं गोलघर को विज़िट करने, जो कि पटना का एक प्राइम लोकेशन पर है, गांधी मैदान के बगल में। और एक तरह से देखो तो पटना का एक व्यू पॉइंट बोल सकते हैं, अगर उसके ऊपर आप चढ़ते हो तो पूरा पटना आपको वहाँ से दिखता है। तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे भी। ये सामने आपको जो रोड दिख रहा है मेरे पीछे, ये है ओवरब्रिज एक बना है पटना में, जो कि अराउंड 10 किलोमीटर का है, जो एम्स को जोड़ता है दीघा से। तो ऐसा कुछ बात है दोस्तों, और चलिए आपको दिखाता हूँ मैं। ये रोड भी दिखाऊँगा, मरीन ड्राइव होके हम लोग जाएंगे तो मरीन ड्राइव भी आपको दिखाऊँगा, और उसके बाद चलते हैं सीधा गोलघर, क्योंकि अब जो नया रोड बना है गोलघर को कनेक्ट करता है मरीन ड्राइव से, तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बार पटना का व्यू दिखाता हूँ। अभी हम लोग बीचों बीच हैं इस पुल के, ये जो ओवरब्रिज बना है इसको भी इसके बीचों बीच हूँ, और एक बार आपको पटना का व्यू दिखाता हूँ। एक बार ज़रा देखो, ये पूरा उधर पटना का ऊपर से व्यू दिखता है, और यही वो रोड है जो 10 किलोमीटर एक ऐतिहासिक पुल है, ये बोल सकते हो आप ये पुल। और इस साइड भी पटना आपको दिख रहा होगा, और ये पुल सीधा चला जाता है, मतलब गंगा नदी के किनारे। तो चलिए आगे चल के और आपको दिखाता हूँ। तो हम लोग अभी गंगा नदी के किनारे आ चुके हैं, बगल में मरीन ड्राइव है और हम अभी गंगा नदी के किनारे हैं। जो पुल हमने आपको एक्सप्लेन किया था, जो 10 किलोमीटर का पुल था, वो पुल ख़त्म होने के बाद हम सीधे गंगा नदी का दर्शन होता है, गंगा माता का दर्शन होता है। तो हम आपको भी अभी नज़दीक से दर्शन कराते हैं गंगा माता का। और पटना का ये जो गंगा माता का घाट है ना, वाराणसी का जो घाट है उससे काफ़ी ये चौड़ा है। तो आप एक बार, आपको चलो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। देख रहे हो इधर कुछ घाट वाट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हम ये देखो नदी, पानी तो थोड़ा सा कम हो गया है बट स्टिल आप देख सकते हो। और वो जो पुल दिख रहा है ना, उस पर ऊपर में रेल चलता है और नीचे में गाड़ियाँ चलती हैं, डबल डेकर एक तरह से बोल सकते हो उसको। काफ़ी वाइड है।
तो पटना का मरीन ड्राइव का कुछ ऐसा व्यू है दोस्तों, आगे आपने देखा है और इस साइड से कुछ ऐसा व्यू है बीच में आने के बाद, और इस साइड पर कुछ दूर चलने के बाद आगे गंगा नदी है। और ये हमारे मित्र हैं, गांव के हीरो रोहित कुमार श्रीवास्तव चौरसिया, सामने देख लीजिए है, और इस साइड पे पटना सिटी है। तो साइड साइड से रोड बन चुका है और अपने को कहीं उस साइड पे जाना है, वहाँ पे है गोलघर, यहाँ से दिख रहा है बट आपको अभी नहीं दिख रहा होगा, जस्ट सामने ही दिख रहा है, इस सामने। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग गोलघर पहुँच चुके हैं और हमारे पीछे ही गोलघर है, आपको दिखाऊँगा। थोड़ा सा कैमरा का एंगल धुपा उस साइड से ही है तो दिख नहीं रहा था, तो मैंने सोचा पहले आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो दोस्तों अभी हम गोलघर के सामने समक्ष पहुंच चुके हैं, उसके कैंपस में पहुंच चुके हैं। आप कैंपस देख सकते हो, ये गोलघर का ही कैंपस है, पीछे गोलघर है। तो मैं आपको अभी गोलघर दिखाता हूं। कुछ ऐसा सीन है दोस्तों कि ये जो गोलघर है, गोलघर को 1786 के अप्रॉक्स में बनवाया गया था और ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनवाया गया था। इसके पीछे का पर्पस क्या था वो सब मैं आपको अभी बताऊँगा। एक बार फ़िलहाल मैं आपको एक बार गोलघर दिखाता हूँ और देखो मतलब कैसा आर्किटेक्चर का क्या नमूना है ये, कि मतलब बिना पिलर का बनाया हुआ ये गोलघर है। आप एक बार देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये जो आपको सामने गोलघर दिख रहा है, ये गोलघर है, मतलब पूरा गोल, समझ रहे हो, इसके वजह से इसका नाम गोलघर पड़ा है। तो ये सामने आपको गोलघर दिख रहा है, काफ़ी शानदार खूबसूरत, और ये एक पटना का धरोहर है दोस्तों। और इसको विज़िट करने के लिए आपको 10 रुपये देने पड़ते हैं, टिकट का चार्जेज है वो 10 रुपये 10 रुपीज़, और उसके वजह से आप अंदर आओगे और उसके बाद ये देखोगे। आज से थोड़ा दिन पहले इसका डेवलपमेंट नहीं था बट अभी पार्क बना दिया गया है टोटल, इधर आप देख सकते हो अच्छे से, और टॉयलेट का भी व्यवस्था है, पीने का पानी का, वो अलग बात है कि ये चल नहीं रहा है बट यस इसका अरेंजमेंट किया गया है। और ये पार्क देखो, शानदार पार्क बना दिया गया और अभी उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो कि सीढ़ियों का मरम्मत चल रहा है, तो उसका कलर कुछ इस तरह से दिख रहा है। चलिए आपको नज़दीक से दिखाता हूँ और गोलघर के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। तो धीरे धीरे हम लोग गोलघर की तरफ पहुँच रहे हैं और नज़दीक से आपको दिखाता हूँ गोलघर कैसा दिखता है। ये गेट है, एक देख लो आप, ये एक गेट है, पहले यहाँ पे खुला हुआ रहता था, यहाँ से बोलोगे तो आवाज़ जाता था अंदर इस साइड से, यहाँ से, बट अभी बंद है। साइड से देखता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ महान कलाकारों का ये यवा कृत्य सब, देख रहे हो, हर जगह से महान लोग मिल जाते हैं। देखिए कलाकारी किया हुआ कितना, देख रहे हैं, बर्बाद कर देंगे ये लोग, बर्बाद। यही है जो है, लेकिन इसका मरम्मत अभी चल रहा है दोस्तों, साइड से आप देख सकते हो मरम्मत का काम चालू है, बट मरम्मत हुआ है फिर भी उस पर लिख दिया गया है, कोई बात नहीं। ये देख रहे हो लेंथ, एक बार लेंथ है देखो, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये दीवार है, और इसका लेंथ है 3.9 मीटर अप्रॉक्स नहीं, एग्जैक्ट 3.9 मीटर, और आप बोल सकते हो कि 4 मीटर का बेस है इसका, और ये पिलरलेस है दोस्तों, बिना पिलर के बनाया गया है। ऐसा कुछ दिखता है नज़दीक आओगे तो, ऐसा दिखा बॉल की तरह ऊपर से कोई आया ऐसे फिसलते हुए, और यहाँ सीढ़ी हुआ करती थी। तो ये सीढ़ी है बट कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसके वजह से यहाँ पे जाने के लिए बंद किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप पीछे मेरे सीढ़ी देख रहे हो, और इसको इसलिए बंद कर दिया गया है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम बहुत इम्पॉर्टेंट है, कहा है क्योंकि आप ये देख लो,
कुछ मतलब कि आप बोल सकते हो काइंड ऑफ, मतलब कि अगर अच्छे लैंग्वेज में बोला जाए, अगर गाली के लैंग्वेज में नहीं अच्छे लैंग्वेज में बोला जाए, तो कुछ जो बकचोद होते हैं जो हर स्टेट में होते हैं और उन्हीं के द्वारा ये किया गया कृत है, इन्हीं को मरम्मत किया जा रहा है, बनाया जा रहा है और सीढ़ी को भी मरम्मत किया जा रहा है, इसके वजह से इसको बंद किया हुआ है। इसका स्टेप 145 स्टेप्स है ऊपर जाने के लिए और इसका ये है कि 4.9 मीटर इसका बेस है, मतलब ये जो आपको ये जो दिख रहा है इसका मतलब 4.9 मीटर बेस है, इसका जो चौड़ाई है नीचे में वो 4.9 मीटर का चौड़ाई है, इसी वजह से इस पर कोई पिलर नहीं है, बिना पिलर के बनाया गया है, 4.9 मीटर बेस और इसका टोटल जो हाइट है 29 मीटर का हाइट है। और ये पहले कुछ दिन पहले बोल सकते हो आज से 10 साल 12 साल या 15 साल पहले तक ये पटना का सबसे ऊँचा इमारत हुआ करता था और आप देख ही रहे हो कितना शानदार खूबसूरत दिख रहा है ये। देखो यहाँ से कितना खूबसूरत, मतलब कि ये गोलघर दिख रहा है, बहुत खूबसूरत है। ये ऊपर का टिप दिख रहा है, सबसे ऊपर वाला, वहाँ पे 2.9 मीटर का एक होल टाइप का ऊपर से अनाज डालने के लिए है और इसका हिस्ट्री मैं अभी आपसे बात करता हूँ थोड़ा दिन में, आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दूँ। ये जो यहाँ पे आपको बेस दिख रहा है 3.9 मीटर चौड़ा है और पिलर लेस है, इसमें पिलर नहीं है। और ये जो सीढ़ियाँ दिख रही है आपको, दो साइड से सीढ़ी, एक साइड से चढ़ने के लिए, एक साइड से उतरने के लिए, और ये 145 स्टेप्स हैं इस पर। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पहले पटना में सबसे बड़ा इमारत यही हुआ करता था आज से 20 साल पहले तक, बट अभी बहुत सारी बड़ी इमारतें बन गई है तो ये छोटी हो गई अभी। यहाँ से बहुत सुंदर दृश्य दिखता है गंगा नदी और पूरा पटना का, पटना सिटी का। तो इसके बारे में और कुछ मैं बताने का कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, आप जो ये मेरे पीछे स्मारक देख रहे हो और जिसका नाम गोलघर है, इसको इसका नाम गोलघर इसलिए है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी गोल है, स्तूपानुमा इसका स्ट्रक्चर है। स्तूपा आप बोल सकते हो जैसे कि केसरिया का स्तूपा है और कुशीनगर में स्तूपा है, जो बुद्ध भगवान से रिलेटेड जिस टाइप का स्तूपा होता है उससे इसको इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था। और अगर बात करें कि क्यों इसको बनाया गया था, तो बनाने के पीछे का रीज़न ये था, एक भयानक अकाल आया था, उसका थोड़ा सा हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं। जब बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, और जो ब्रिटिश सेना थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेना था, जो आर्मी था, वो जीता था मीर कासिम से, जो कि मुग़ल एम्पायर का मतलब राजा था, उससे जीता था। तो उसके बाद बंगाल रीजन में, पहले बिहार भी बंगाल के ही रीजन में आता था, तो जब उसने जीता इस बैटल को, उसके बाद उस बैटल को जीतने के बाद 1764 के बाद एक भयानक अकाल आया था इस एरिया में, पूरे बंगाल के रीजन में, जो अभी झारखंड बिहार और बंगाल तीनों मर्ज करके अगर देखो तो पहले एक ही बंगाल हुआ करता था। अकाल आया, उसके बाद सेना को खाद के लिए, फूड के लिए, खाना के लिए, मतलब कि सामग्रियों का प्रॉब्लम होने लगा, तो उसके स्ट्रक्चर उसको स्टोर करने के लिए इस स्ट्रक्चर का निर्माण करवाया गया था। तो फूड के स्टोरेज के लिए इसको इसका निर्माण कराया गया था। इसका कैपेसिटी अगर आप सुनोगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा, अराउंड 14 लाख टन इसका अनाज के कैपेसिटी का इसका कैपेसिटी है इसका। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो कि इसका कितना भयंकर आकार है, क्योंकि इसका हाइट 29 मीटर है और ये बिना पिलर का बनाया गया है। आर्किटेक्चर भी एक बहुत खूबसूरत है उसका, स्तूपानुमा बनाया गया बिना पिलर का, 29 मीटर का इमारत खड़ा करना एक अपने आप में कीर्तिमान था दोस्तों। तो ऐसा कुछ बात है इसके बारे में। और अगर हम बात करें इसके हिस्ट्री के, तो 1786 में इसका कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट, तो आज ये गोलघर अपना 236 साल का हो गया लगभग, और आप समझ सकते हो 236 साल कितना बड़ा टाइम होता है। इसका एक ख़ास बात है दोस्तों, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया है, जिसका इसका जो बेस है वो 3.9 मीटर, बहुत ज़्यादा चौड़ा है। तो अगर आप अंदर जाके इसमें बोलोगे, एक होल हुआ करता था, अभी तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है बट एक होल हुआ करता था, अगर आप वहाँ से अगर बोलोगे तो 27 से 30 बार इसके अंदर आवाज़ गूंजता है, इको करता है, आप समझ सकते हो पूरा खाली है। और अगर आप धीरे से भी बोलोगे तो आवाज़ इको करता है, 25 से 27 बार इसमें आवाज़ गूंजता है। बट अभी तो ये होल बंद कर दिया गया है कंस्ट्रक्शन की वजह से, आप अंदर जा नहीं सकते, तो आपको मैं नहीं बता सकता, जाके वहाँ पे नहीं सुना सकता। लेकिन अगर मेरे को कहीं से क्लिप मिलता है तो उसको काट के आपको ज़रूर उसमें वीडियो में लगा के आपको दिखाऊँगा। तो ये कुछ हिस्ट्री है इस गोल घर की दोस्तों, ये पटना की धरोहर है। अगर आप पटना आएँ तो ज़रूर इस गोल घर को विजिट करें, बिहार का बहुत खूबसूरत प्लेस पे है, बहुत पॉश इलाका में है, बगल में गांधी मैदान है जिसका नाम आपने सुना ही होगा।
हर कार्यक्रम गांधी मैदान में ही होता है, और बगल में बिस्कोमान भवन है जो कि अभी इससे काफ़ी ऊंचा हो गया है, और ये अपना गोलघर है। तो अगर आप पटना आते हो, ये पाटलिपुत्र की धरती है, आप ज़रूर एक बार विजिट करो गोलघर को। ऐसा कुछ गोलघर अपने भी सुंदर है, आप एक बार ज़रूर विजिट करो। और इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखो, खुश रहो, मस्त रहो, घूमते रहो, ट्रैवल को अपना ज़िंदगी बनाओ, देखो कितना खूबसूरत हो जाएगा ज़िंदगी। चलो बाय बाय।